नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। गुना अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश अनुसार चोरी लूट के माफियाओं की धरपकड़ पर धरनावदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हासिल की ग्राम बिलाखेड़ी के दबिश के दौरान 23,000 रुपए के फरार 3 इनामी बदमाशों सहित 2 संदिग्ध बदमाश आए पुलिस के हाथ। गाँव में लवारिस हालत में पड़ी 12 मोटरसाइकिलें भी हुई बरामद। ये सूचना प्राप्त हुई थी, बिलाखेड़ी गाँव है जो कि पारदी बाहुल्य गांव है, पारदी ही ज़्यादा है। यहाँ कुछ बदमाश जो कि रिकॉर्डेड हैं, इनामी बदमाश हैं और चोरी का कुछ सामान, मोटरसाइकिल इत्यादि वगैरह यहाँ होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर से एक बड़ी संख्या में बल को एकत्र किया गया। गोपनीयता रखते हुए यहाँ पर सभी हमारे ज़िले के एक टीम वर्क का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पूरे ज़िले के बल ने यहाँ दबिश दी, जो हमारे एडिशनल एसपी बघेल जी के नेतृत्व में और एसडीओपी श्री तिवारी जी, एसडीओपी प्रियंका जी, सभी थाना प्रभारी हमारे आरआई साहब, ये सभी लोग मिलकर यहाँ एक बड़ी संख्या में बल लेके आए। महिला बल भी था, पुरुष बल भी था। यहाँ दबिश देने पर 5 संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिनके की नाम घोषित हैं, जो कि आरोपी हैं। इसके अलावा करीब 12-13 के आसपास मोटरसाइकिलें भी जब्त हुई हैं। बाकी भी अभी सर्चिंग जारी है, कुछ और संदिग्ध सामान मिलने की संभावना है। इस तरह के गांव में हमारा सबको संदेश ये है कि ये गलत रास्ता, गलत काम छोड़ के सही दिशा में काम करें, सही दिशा में आगे बढ़ें। हमारी गाँव वालों से चर्चा भी हुई है, उनको समझाया भी जा रहा है, अगर ये सही काम करेंगे तो इस तरह की स्थिति का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा से ये लोग जुड़ेंगे, समाज की योजनाओं का लाभ लेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ लेंगे और इनके जो भी ऐसे गलत काम जो करने वाले जो इस दिशा में जा चुके हैं, वो अपराध बोध को महसूस करते हुए समक्ष में आए, हाजिर हों, नियमानुसार हम उसमें कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ हमारे कलेक्टर साहब, जिलाधीश महोदय सभी ये चाहते हैं, न्यायाधीश महोदय भी ये चाहते हैं कि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़े और इन कामों से मुक्त हों। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। अभी जिनको पकड़ा गया है उनका विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।